सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर। यहाँ पे मेरे पास 2000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के आसपास आने वाला तीन पॉपुलर नेकबैंड ईयरफोन है, जिसका कंपैरिजन हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड ये तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन है CMF का ये रिसेंटली लॉन्च नेकबैंड प्रो, OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC एंड Realme बर्ड्स वायरलेस 3। एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप इन तीनों ही नेकबैंड में से किसी भी एक नेकबैंड को परचेज करने का सोचते हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कि इन तीनों ही नेकबैंड का डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, पहले आप वो भी एक बार देख लीजिए। या ऑलरेडी अगर आप इन तीनों नेकबैंड ईयरफोन्स में से कोई एक नेकबैंड ईयरफोन यूज कर रहे हैं, इसके किसी भी फीचर्स या फंक्शंस को प्रॉपरली समझने में, यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या प्रॉपरली सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी आप इनका जो डिटेल डेडिकेटेड वीडियो है ना वो देख सकते हैं। लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड जहां से आप इन तीनों नेकबैंड ईयरफोन को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट अगर हम स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन में जो मेजर डिफरेंस मिलता है उससे करें, तो यहाँ पे Realme बर्ड्स वायरलेस 3 एंड CMF के नेकबैंड में आपको सेम 13.6 mm का ड्राइवर मिलता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। वहीं पे OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 ANC में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है एंड यहाँ पे जो ड्राइवर साइज है वो भी छोटा है, 12.4 mm का है। एंड नेक्स्ट बैटरी बैकअप या जो टोटल प्लेबैक टाइम ब्रांड क्लेम करती है उसका बात करें, तो यहाँ पे भी जो है ना OnePlus सबसे कम टोटल प्लेबैक टाइम के साथ आता है। OnePlus में 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम ब्रांड क्लेम करती है। CMF के नेकबैंड में ब्रांड 37 आवर्स का बैटरी प्लेबैक टाइम क्लेम करती है एंड Realme बर्ड्स वायरलेस 3 के साथ सबसे ज्यादा 40 आवर्स का बैटरी प्लेबैक टाइम ब्रांड क्लेम करती है। एंड ये जो बैटरी प्लेबैक टाइम ब्रांड क्लेम करती है ना, ये विदाउट ANC मोड में है। एंड अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे इन तीनों ही नेकबैंड को यूज करते हैं विदाउट ANC, तो जो ब्रांड क्लेम करती है बैटरी बैकअप या प्लेबैक टाइम, उसमें से आप 2 घंटा माइनस कर लीजिएगा। मतलब कि विदाउट ANC 70-80% वॉल्यूम पे आपको OnePlus में 25-26 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, CMF में 35 आवर्स के आसपास का प्लेबैक टाइम मिलेगा एंड Realme में 38 आवर्स के आसपास का प्लेबैक टाइम मिलेगा। एंड इन तीनों ही नेकबैंड में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप ऑलवेज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को इनेबल करके 70-80% वॉल्यूम पे यूज करते हैं, तो जो एक्चुअल बैटरी लाइफ है उसको आप सीधे हाफ कर दीजिएगा। मतलब कि OnePlus के साथ विद ANC 70-80% वॉल्यूम पे आपको 12-13 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, CMF के नेकबैंड प्रो में आपको 16-17 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा एंड Realme के बर्ड्स वायरलेस 3 में आपको 17-18 आवर्स के आसपास का टोटल प्लेबैक टाइम मिलेगा। तो सबसे बेटर बैटरी लाइफ जो है वो आपको Realme बर्ड्स वायरलेस 3 में ही मिलेगा ऑलवेज। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि OnePlus के नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, बट इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो है ना रेंज पे या कनेक्टिविटी पे हमको नोटिस नहीं हुआ। कनेक्टिविटी और रेंज जो है ना अदर नेकबैंड ईयरफोन के जैसा ही लगा हमको। एंड इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन में आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण एंड्रॉइड फोन या एंड्रॉइड टैबलेट के साथ इनको पेयर करना जो है ना बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें Realme में 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, CMF में सबसे ज्यादा 50 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है एंड OnePlus में भी काफी सिमिलर CMF से 45 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है। एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के मामले में डेफिनेटली हमको CMF का नेकबैंड ईयरफोन जो है वो काफी इंप्रेस किया। मतलब कि फैन या AC का नॉइज हो गया या लाइट ट्रैफिक का नॉइज हो गया, तो उसको बहुत ही अच्छे से कैंसिल आउट कर देता है एंड बहुत ही सिमिलर सा एक्सपीरियंस जो है ना OnePlus के नेकबैंड के साथ भी मिल जाएगा। बट एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के मामले में सबसे वीक जो है वो Realme बर्ड्स वायरलेस 3 है। इसमें आपको 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। अगर आपके घर में मीडियम स्पीड पे फैन चल रहा है या लाइट AC का जो नॉइज आ रहा है उसको ये ठीक से कैंसिल आउट कर देता है। एंड इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड वाला फीचर भी मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ईयरफोन है, तो साउंड क्वालिटी का बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे Realme का ये जो बर्ड्स वायरलेस 3 है, ये हमको क्लियर विनर लगा। सबसे पहला तो ये Realme का जो नेकबैंड है ना, ये CMF एंड OnePlus के नेकबैंड से हमको 20% ज्यादा लाउड लगा। मतलब कि अगर आप OnePlus एंड CMF के नेकबैंड को अगर 80% वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं, तो इजिली आप Realme के इस बर्ड्स वायरलेस 3 को 60-70% वॉल्यूम पे यूज कर सकते हैं। एंड इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन में आपको ऐप सपोर्ट मिलता है, जहां से आप इक्वलाइजर को या साउंड क्वालिटी को कुछ हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। बट डिफॉल्ट Realme बर्ड्स वायरलेस 3 जो है ना प्योर बेस मोड में रहता है एंड इस मोड में जो है ना आपको बहुत ही अच्छा बेस मिल जाता है, बहुत ही अच्छा ट्रेबल मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन Realme के नेकबैंड का CMF एंड OnePlus के नेकबैंड से हमको बेटर लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, Realme बर्ड्स वायरलेस 3 में जो वोकल्स है ना वो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है। मतलब कि जिस सिंगर का
का आप म्यूजिक सुन रहे हैं ना, उसका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो आपको Realme Buds Wireless 3 में ही मिलेगा, अगर हम इन तीनों ईयरफोन्स को कंपेयर करें तो। बट जब तक हम CMF के नेकबैंड को एंड OnePlus के नेकबैंड को सेपरेटली यूज कर रहे थे, तब तक हमको इनका भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा था। बट जब हम कंपेयर किए Realme के साथ, तो डेफिनेटली Realme वाला जो है वो मच बेटर लगा हमको। बट CMF और OnePlus के नेकबैंड के साउंड क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे OnePlus का जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर है CMF वाले नेकबैंड ईयरफोन के कंपैरिजन में। Realme के नेकबैंड के साथ कंपेयर करने के बाद CMF के नेकबैंड में जो वोकल्स है वो हमको उतना क्रिस्प एंड क्लियर फील नहीं हुआ। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी हमको लगा कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। एंड OnePlus के नेकबैंड में जो है ना, वोकल्स काफी क्लियर है, बट बेस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बूस्टेड है, जिसको आप Hey Melody ऐप में मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम OnePlus के नेकबैंड को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे एंड CMF के नेकबैंड को थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे डेफिनेटली यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 को रखेंगे साउंड क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट अगर हम इन तीनों ही नेकबैंड के बिल्ड क्वालिटी का बात करते हैं, तो यहाँ पे Realme वाला जो है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है, बाकी OnePlus एंड CMF का जो नेकबैंड है उनका बिल्ड क्वालिटी हमको ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फील हुआ। बाकी डिजाइन वाइज या बटन वाइज जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। OnePlus एंड Realme में जो बटन का प्लेसमेंट है या जो बटन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेगा। वॉल्यूम प्लस माइनस बटन है, एक मल्टी फंक्शनल यहाँ पे बटन है एंड एक फंक्शन बटन आपको डेडिकेटेड मिल जाता है। बट CMF के नेकबैंड में यहाँ पे आपको एक रोटेटिंग व्हील मिलता है, जिसका यूज करके आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, कॉल्स को एंड कर सकते हैं। एंड इसमें जो है ना आपको एक फंक्शन बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसको दूसरे डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं या फिर डिवाइस के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो डिजाइन वाइज इन तीनों ही नेकबैंड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस CMF के नेकबैंड में ये जो रोटेटिंग डायल मिलता है वो थोड़ा सा यूनिक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लेटेंसी की बात करें, तो CMF के नेकबैंड में एंड Realme के नेकबैंड में जो है ना आपको डेडिकेटेड लो लैग मोड या गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, बट OnePlus के नेकबैंड में कोई भी आपको लो लेटेंसी मोड या गेम मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मली इन तीनों ही नेकबैंड को अगर आप किसी मूवी प्लेबैक के दौरान या वीडियो प्लेबैक के दौरान यूज करते हैं, तो आपको कोई भी लिप सिंक वाला इशू नोटिस नहीं होगा। एंड इन तीनों ही नेकबैंड में, जिस नेकबैंड में लो लैग मोड या गेम मोड मिलता है उसको इनेबल करके, एंड OnePlus के नेकबैंड में कोई भी आपको लो लेटेंसी मोड या गेम मोड नहीं मिलता है, तो नॉर्मली हम जो है ना सैमसंग के फोन के साथ वाइल गेमिंग यूज करके देखें, एंड इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन के लेटेंसी में हमको कोई भी मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। बट अगर आप लॉन्ग सेशन तक गेमिंग करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको लेटेंसी फील होगा इन तीनों ही नेकबैंड का यूज करते हुए। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग के लिए नेकबैंड्स को यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपके साथ जो है ना माइक का क्वालिटी शेयर कर रहे हैं। फिलहाल आप ये जो मेरा वॉइस सुन रहे हैं, ये CMF के नेकबैंड प्रो के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। वाइल कॉल किस तरीके का साउंड कैप्चर होता है उसका आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। मेरे सर के जस्ट ऊपर जो है ना फैन हम फुल स्पीड पे रन करके रखे हैं, एंड किस तरीके से उसके नॉइज को ये कैंसिल आउट कर रहा है उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। अब जो अभी मेरा वॉइस सुन रहे हैं, ये OnePlus के नेकबैंड के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। अगेन यहाँ पे फैन जो है वो फुल स्पीड पे चल रहा है, किस तरीके से नॉइज को ये कैंसिल आउट कर रहा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। OnePlus के नेकबैंड में जो माइक है वो लेफ्ट साइड में रहता है। अब जो आप मेरा वॉइस सुन रहे हैं, Realme के नेकबैंड के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, एंड अगेन यहाँ पे फैन जो है वो फुल स्पीड में चल रहा है। एंड वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड आप इन तीनों ही नेकबैंड के माइक क्वालिटी को सुने, आपको किसका माइक क्वालिटी सबसे बेस्ट लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डुअल डिवाइस पेयरिंग या डुअल कनेक्शन फीचर का बात करें, तो Realme Buds Wireless 3 में जो है ना आपको डुअल कनेक्शन या डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर मिल जाता है। मतलब कि आप इसको जो है ना एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर, वो ऑलरेडी इसके डेडिकेटेड वीडियो, जो इसका डिटेल्ड वीडियो है, उसमें हम बताए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे CMF का ये जो नेकबैंड प्रो है, इसमें आप डिवाइस स्विच करके इसको दो डिवाइस के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट डिवाइस एंड लास्ट डिवाइस के बीच में भी आप स्विच कर सकते हैं, एज वेल एज आपको डुअल कनेक्शन इनेबल करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो डुअल कनेक्शन फीचर को इनेबल करके आप इसको एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो ऑलरेडी हम इसके डिटेल्ड वीडियो में एज वेल एज एक डेडिकेटेड वीडियो में हम शेयर किए हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC का, तो यहाँ पे आपको डुअल कनेक्शन जैसा फीचर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो OnePlus के इस नेकबैंड में जो है आप सिर्फ डिवाइस स्विच ओवर वाला फीचर यूज कर सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट डिवाइस और लास्ट डिवाइस के बीच में आप स्विच करके इसको दो डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं। एंड अगेन किस तरीके से दो डिवाइस के साथ स्विच करके OnePlus के इस नेकबैंड को यूज कर सकते हैं, वो इसके डिटेल वीडियो में ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, डिटेल वीडियो का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब इन तीनों ही नेकबैंड में जो है ना आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ऐप के थ्रू सेटअप करके आप इसके कुछ फीचर्स को, कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।
इक्वलाइजर आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है, कुछ कस्टम इक्वलाइजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। रियलमी में एंड CMF कनेक्टबैंड में आपको एक स्पेशल ऑडियो इफेक्ट का फीचर मिलता है, जिसमें रियलमी कनेक्टबैंड में जो स्पेशल ऑडियो इफेक्ट का फीचर है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा अच्छा सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। एंड CMF कनेक्टबैंड में जो स्पेशल ऑडियो इफेक्ट वाला फीचर मिलता है उसको इनेबल करने पे 360 डिग्री सराउंड साउंड वाला जो इफेक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं लगा, सिर्फ लाउडनेस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इन तीनों ही नेकबैंड का जो रिस्पेक्टिव कंपैटिबल ऐप आता है, अगर आपको उसके साथ सेटअप करना है तो CMF के नेकबैंड में एंड OnePlus के नेकबैंड में काफ़ी इजी होता है प्रोसेस। विद इन 20 सेकेंड जो है ना, आप इनके रिस्पेक्टिव कंपैटिबल ऐप से CMF के नेकबैंड को एंड OnePlus के नेकबैंड को ईजिली सेटअप कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम Realme का सेटअप का बात करें तो Realme Link ऐप के थ्रू आपको Realme के ईयरफोन को सेटअप करने में जो है ना ईजिली 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। बहुत सारा प्रोसेस होता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, कैप्चा एंटर करना पड़ता है, OTP रिसीव होता है, फिर OTP को एंटर करना पड़ता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एंड जो ऐप का एक्सपीरियंस है ना वो भी हमको CMF का एंड OnePlus का बेटर लगा, मतलब कि काफ़ी क्लीन सा ऐप एक्सपीरियंस रहता है, जबकि जो Realme Link ऐप में एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा क्लटर्ड था। बट फीचर्स वाइज जो है ना Realme Link ऐप में Realme Buds Wireless 3 के साथ आपको बहुत सारा फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फुल वॉल्यूम के बाद भी अगर आपको वॉल्यूम को एनहांस करना है तो वॉल्यूम एनहांस करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड Realme Link ऐप में या Hey Melody ऐप में OnePlus या Realme के नेकबैंड के लिए जो कस्टम इक्वलाइजर सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है वो ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा बेटर लगा हमको। Realme के नेकबैंड के कंडीशन में आपको इसके बटन्स के कंट्रोल को कस्टमाइज करने का बिल्कुल भी ऑप्शन Realme Link ऐप में नहीं मिलता है, बट CMF एंड OnePlus के नेकबैंड के कंडीशन में इनके बटन्स के कंट्रोल में आप बहुत ही माइनर सा बट कस्टमाइजेशन थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। अब लास्ट, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर हैं या फिर एक आईफोन यूजर हैं, इन तीनों में से किसी भी नेकबैंड को परचेज करने का सोच रहे हैं तो इन तीनों ही नेकबैंड का जो रिस्पेक्टिव ऐप है या जो कंपैटिबल ऐप है वो आपके एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ प्रॉपरली एंड सिमिलरली वर्क करता है। और अगर आप एक साथ एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन दोनों यूज करते हैं एंड इन तीनों में से किसी भी नेकबैंड को यूज करना चाहते हैं तो जिस डिवाइस में, जिस नेकबैंड में आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है, आप एक साथ अपने एंड्रॉयड एज वेल एज आईफोन से उसको कनेक्टेड रख सकते हैं। और OnePlus के नेकबैंड में आपको डिवाइस स्विच करने का ऑप्शन मिलता है तो आप जो है ना इजीली अपने एंड्रॉयड फोन से आईफोन पे एंड आईफोन से एंड्रॉयड फोन पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों ही नेकबैंड का जो ऐप का एक्सपीरियंस है वो एंड्रॉयड फोन में एज वेल एज आईफोन में भी जो है ना बिल्कुल सिमिलर है। अब फाइनली अगर हम प्राइस एंड कंक्लूजन आपके साथ शेयर करें तो Realme का ये जो नेकबैंड है, फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका प्राइस Amazon पे 1650 रुपए है। CMF का ये जो नेकबैंड है ये 1800 रुपीज में Flipkart पे मिल रहा है एंड OnePlus का ये जो Z2 ANC है ये 2200 रुपीज में Amazon पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों ही नेकबैंड में हमको Realme का ये जो Buds Wireless 3 है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा। साउंड क्वालिटी आपको इसमें सबसे बेस्ट मिल जाएगा एंड बैटरी बैकअप भी जो है ना आपको इन तीनों ही नेकबैंड ईयरफोन के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट मिलेगा। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन या ANC जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, बट फिर भी हमको लगता है कि Realme का Buds Wireless 3 जो है ना सबसे बेस्ट नेकबैंड ईयरफोन होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। अब CMF के इस नेकबैंड प्रो को हम थर्ड पोजीशन पे रखे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक घटिया प्रोडक्ट है, बट डेफिनेटली यहां पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमको जो है ना अरेंज करना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे डेफिनेटली यहाँ पे Realme का Buds Wireless 3 रहेगा, सेकंड पोजीशन पे OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC रहेगा एंड थर्ड पोजीशन पे CMF का ये नेकबैंड प्रो रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन तीनों ही नेकबैंड का डेडिकेटेड वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप इन तीनों में से किसी एक नेकबैंड को परचेज करने का सोच रहे हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं इन तीनों में से कोई एक नेकबैंड तो उसका डिटेल वीडियो तब भी आप देख सकते हैं ताकि आप उस नेकबैंड के सारे फीचर्स को एंड उसको प्रॉपरली सेटअप करके आप यूज कर पाएं। जहां से आप इन तीनों में से किसी भी एक नेकबैंड को परचेज कर सकते हैं लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।